भिवानी जिले में वैक्सीन की मारामारी के चलते लोग परेशान हैं। नागरिक अस्पताल स्थित मुख्य वैक्सीनेशन केंद्र में भीषण गर्मी के बीच भी लोग टीकाकरण के लिए उमड़ रहे हैं। हालांकि भीड़ यहां कोविड प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन कर रही है। लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क दिख रहा है और ना ही सामाजिक दूरी दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने मौके का जायजा लिया। देखिए, भिवानी में वैक्सीनेशन के लिए अच्छी खासी तादाद में लोग उमड़ रहे थे। बात महिलाओं की करें, बुजुर्गों की करें या फिर यूथ की करें, दो जगहों पर वैक्सीनेशन का कार्य जो है दो अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन की जा रही है। एक ही केंद्र में दो जगहों पर कहीं न कहीं पंजीकरण का कार्य भी किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं लोगों की भीड़ उसके बावजूद यहाँ पर उमड़ी हुई है। मैडम, वैक्सीनेशन के लिए दो काउंटर लगाए गए हैं, तो दो काउंटर लगाए जाने की वजह क्या है? मैडम से बात करो। तो यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन के लिए मैडम दो काउंटर लगाए गए हैं, दो काउंटर लगाए जाने की वजह यहाँ से अनिल, ये डॉक्टर साहब देंगे ना बाइट? हाँ, ये डॉक्टर साहब देंगे, डॉक्टर साहब देंगे सर बाइट, मैं बाइट नो सर, यहाँ पर कर रहे हैं। 18 से 45 का है सर, बस 45 बाहर हमने बात की थी, बाहर जो है 18 से 45 यानी जो यूथ है, यूथ के लिए जो है पंजीकरण का कार्य किया जा रहा था, लेकिन यहाँ की अगर बात करें 45 प्लस जो है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बात चाहे जो फर्स्ट डोज वाले हैं या फिर दूसरी डोज के लिए जो लोग आ रहे हैं उनका पंजीकरण यहाँ पर किया जा रहा है। भले ही वैक्सीन की कमी जो है ज़रूर रख रही है, लेकिन लोगों की तादाद, लोगों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उनकी मजबूरी कही जाए या फिर वैक्सीन ज़रूरी कही जाए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि वैक्सीनेशन का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण किया जाएगा। और भिवानी में जो कार्य 20 जून 2021 तक पूरा होना था, अभी तक बहरहाल अगर बात करें 38% वैक्सीनेशन ही हो पाया है, जबकि साथ लगते ज़िले अगर चरखी दादरी की बात करें 77% लोग यानी 3,08,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर वैक्सीन लगवा चुके हैं। 25 ऐसे गाँव हैं जहाँ पर पूरी तरह से वो 100% वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो माना जा सकता है कि वैक्सीन की कहीं ना कहीं कमी यहाँ पर अखर रही है। कुछ आबादी की बात करें, स्टेक होल्डर्स की बात करें, 8,60,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जाना था, लेकिन वो वैक्सीनेट अभी नहीं हो पाए। वक्त लगेगा, लोगों में ज़रूर जोश है, वैक्सीन की कभी कमी अखरती है, कभी कोई दूसरी दिक्कत पेश आती है, ऐसे में लोग भले ही जो है उत्साहित हों, लेकिन विभागीय कुछ कायदगियाँ जो है वो आड़े आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। देखिए, शायद ये है मजबूरी ना दो गज की दूरी, दो गज की दूरी की बात लगातार कही जाती है, लेकिन इन लोगों की संभवतः या मजबूरी है, इस वजह से ये कतारों में यहाँ पर खड़े हैं। वैक्सीन के लिए आए थे और भिवानी के मुख्य वैक्सीनेशन केंद्र, भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में वो रूम बनाया गया है जहाँ पर मुख्य वैक्सीनेशन केंद्र भी बनाया गया है। प्रतिदिन 1,000 से 1,200 लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेट किया जाता है, बड़ी तादाद में जो है। मास्क कहाँ आपका? मास्क लगा ले। लोग कितने लापरवाही बरतते हैं, हालांकि वैक्सीन के लिए ज़रूर आते हैं, लेकिन लापरवाही का आलम ये देखा जा सकता है। लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, वैक्सीन के लिए आए यहाँ पे आप? हाँ जी। कब से खड़े हैं? अभी 15 मिनट हुए हैं। तो उससे पहले भी आए थे वैक्सीन के? नहीं, उससे पहले नहीं। फर्स्ट डोज है, सेकेंड आपकी? सेकेंड है जी। कोवैक्सीन लगवाई थी, कोविशील्ड लगवाई थी? कोविशील्ड, कोविशील्ड, कोविशील्ड लगवाई थी। तो 84 डेज, 84 दिन के बाद आए आज? हाँ जी। आज क्या कह रहे हैं, लग रही है वैक्सीन? हाँ लग रही है, बता रहे हैं। लग रही है साहब, लग रही है, लग रही है। वैक्सीन लग रही है? हाँ जी, वैक्सीन लेने आए हम। कितनी देर? हमारी सेकंड डोज है, अभी आए 10 मिनट पहले आए हम। कल से आए थे, आप कल भी आए थे, आज भी आए हैं। अभी कल नहीं लगी थी? आज फोन करके पूछा, अपना क्या लगाई, लगेगी आज? कल नहीं लगी थी ना। कल क्या बताया? कल बोले 28 दिन वालों को लग रही है, 28 दिन वालों की कोवैक्सीन लगी। हाँ, कल कोविशील्ड नहीं थी, बहुत थी। वैक्सीन के लिए आए हैं? वैक्सीन के लिए आए हैं सर, सुबह भी आए थे, अब दोबारा फिर आए हैं। सुबह क्या बताया था? कुछ नहीं सर, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, चले गए। अभी भी भीड़ ज़्यादा है? अभी भी ज़्यादा, लेकिन फिर क्या करें सर, ज़रूरी है तो रुकना पड़ेगा। और वैक्सीन ज़रूरी है या मजबूरी मानते हैं आप? वैक्सीन ज़रूरी है, ज़रूरी है, लेकिन खड़ा होना भी ज़रूरी है। खड़ा होना भी ज़रूरी है। आप कितनी देर से यहाँ पर खड़ी हैं? कितनी देर हो गए होंगे? 10 मिनट पहले आए। हाँ, तो वैक्सीन लगा रहे हैं? पहले भी लगवाई थी? हाँ लगवाई थी। पहली बार आए हैं? पहली है? नहीं, सेकंड डोज है। सेकंड डोज है, सेकंड डोज के लिए आए हैं। कोविशील्ड थी या कोवैक्सीन थी? कोविशील्ड, कोविशील्ड थी। 84 डेज, 84 दिन। हाँ जी। आप पहली? सेकंड डोज। सेकंड डोज। हाँ जी। देखिए, ये दरवाज़ा जो है, इस मुख्य वॉर रूम का दरवाज़ा अक्सर खुला देखा जाता था, लेकिन वैक्सीन की जी बताएं खत्म हो
होती है तो पता तो लग जाए लाइन में लगे हुए हैं तो वो चले जाएंगे वापस, या लाइन में लगे रहते हैं तब आखिरी में खत्म होगी। तो कम से कम ये समस्या तो दूर होनी चाहिए भाई, खत्म होगी तो बता दो ने शुरू में ही, और लगे रहते हैं लाइन में 3-3 घंटे लाइन में रहेंगे और बाद में कहते हैं खत्म होगी। सर आप विभाग से हैं, डिपार्टमेंट से हैं? नहीं सर, मैं गांव से आया हूँ भिवानी। तो आपको क्या जानकारी है कि लग रही है दोनों, नहीं लग रही? नहीं पता कर लिया था, बता रहे हैं कि सबको बता रहे हैं, ये लोग परेशान हैं। नहीं उस लेडीज ने बोला था एक बार पता कर दे, तो मैंने पता कर दिया अंदर लग रही है। 2 गज की दूरी की बात कही गई, यहाँ दूरी नहीं दिखाई दे रही है, भीड़ की वजह से है जी सर, देख लो तो लोग इसलिए खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मारा मारी जो है यहाँ पर देखी जा रही है किस तरह से लोग भीड़ में अक्सर यहाँ पर, हालांकि कहीं ना कहीं इतनी भीड़ नहीं देखी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे अब सेकंड डोज का जब टाइम आ रहा है 84 डेज के बाद कोविशील्ड का, उसके बाद अंदर की तस्वीरें क्या, अंदर के हालात क्या है, वो भी तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे, बने रही हमारे साथ। देखिए